नशे से धागे टूटी सांस की तरह कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा कह तो भाई हाँ हाँ बताओ अब वो समिया मां नहीं बन सकती कभी गुड़िया के जेवर बेचने गई थी सीधी तुम्हारे पास आई हूँ पूरे 2 लाख के बिके सुना है कि यहाँ बहुत चेकिंग होती है तुमने पुरानी हरकतें फिर शुरू कर दी ये कोई तुम्हारा घर नहीं है कि तुम गुड़िया को घर से बाहर निकालोगी अरे मैं क्यों चुराऊंगी गुड़िया के जेवर है शहीद तुम बताओ ना अरे मुझे सब कुछ तो मिलता है इस घर से मैं क्यों चुराने लगी जेवर लेकिन गुड़िया तो कह रही थी कि आपको अरबाज के लिए पैसों की जरूरत बात इस वक्त जेवर की नहीं है चाचा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर अरबाज को पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी हाँ उसे पैसों की जरूरत थी वो तुम पता है ना शहीद कि जेल में कितना बुरा खाना मिलता है और वो मुझे कह रहा था कि उसे किसी जरूरी काम के लिए पैसे चाहिए तो मैंने गुड़िया से मांगे और गुड़िया ने इनकार कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं गुड़िया के जेवर चुराऊंगी शहीद अरबाज मेरा इकलौता बेटा है और वो जेल में है और अगर कोई इंसान जेल में हो या आजाद हो तो उसे पैसों की जरूरत नहीं होती क्या इसका ये मतलब तो नहीं है बेटा कि मैंने गुड़िया के जेवर चुरा लिए हाँ फिर जेवर कहाँ चले मुझे क्या पता हाँ 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 वो फाजला है ना फाजला वो आई थी उस दिन और घर में कोई भी नहीं था मुझे लगता है शहीर के जेवर उसी ने चुराए बिल्कुल अच्छा उनका नंबर है मेरे पास मैं अभी उनसे पूछ लेता हूँ हाँ है? उनका नंबर अभी ऑफ मिल रहा लेकिन उनसे तो मैं बाद में बात कर लूंगा चलो अच्छा हुआ फोन नहीं लग रहा तेजन वैसे मैं दोबारा फिर आपसे पूछ अगर आप मुझे सच बता देंगी तो आई प्रॉमिस मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा बल्कि कोई आपको कुछ नहीं कहेगा अदरवाइज फिर ये मामला मुझे पुलिस के हवाले करना होगा पुलिस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है आप अच्छी तरह जानते हैं पुलिस जेल शहीद हाँ हाँ बेटा मैंने चुराए गुड़िया के सेवर मैंने लिए क्या करती अरबाज को पैसों की जरूरत थी बहुत ज्यादा उसे कुछ मेडिसिन के लिए चाहिए थे और उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे थे जेल वाले इसलिए उसे पैसों की जरूरत थी मैंने मैंने गुड़िया से मांगे उसने साफ इनकार कर दिया इसलिए मुझे मजबूरन उसके जेवर उठाने पड़े बेटा मैं क्या करूं बताओ अपनी अपनी औलाद को ऐसी तड़पने देती क्या बताओ तुम मुझसे ले लेती ना आप पैसे ये सब करने की क्या जरूरत थी खाम खा गुड़िया को इस हालत में आपने इतना तंग किया इतना परेशान किया क्या सोच रही होगी वो बेचारी ठीक है बेटा देखो मैं अपनी गलती मान रही हूँ मैं अपनी गलती लेकिन तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ देखो ये बात किसी को ना पता लगे बेटा खुदा का वास्ता किसी को ना बताना तुम्हें रहमा की कसम हाँ बेटा अच्छा ठीक है चेचन मैं
मैं ये बात किसी से नहीं करूँगा, इस बात को यही ख़त्म करते हैं, लेकिन अगर आइंदा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कह दीजिएगा, प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ ना कीजिएगा, प्लीज़। ले लिया ना मैंने अपने झांसे में, क्या एक्टिंग की है। अरे अच्छा है पुलिस कचहरी में कौन पड़े, अभी वहां मेरा बेटा सड़ रहा है, वहां मैं भी चली जाऊं उसके चक्कर में। चलो ये लड़का तो वैसे ही नरम दिल है और नरम हो गया। या अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र या अल्लाह तेरा। फसी तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। बाहर क्यों? जल्ला से कुछ मांगना है तो समिया मेरे रहते हुए कर लो, किसमें क्या हर्ज है। नहीं वसी, कहते हैं कि अकेले में आप अल्लाह के जितने नजदीक होते हो ना, आपकी सब दुआएं सुनता है। मैं अल्लाह से मांगना चाहती हूँ कि वो मेरी रिपोर्ट ठीक करते, वो मुझे, वो हमें बेवलाद ना रहने दे। मुझे अपने गुनाहों की माफी भी मांगनी है अल्लाह से। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। अच्छा बाबा ठीक है। मेरे गुनाहों के लिए माफ कर दे, इतनी बड़ी सजा मत दे। आपसे दुआ मांगती हूँ मुझे बे औलाद ना करना, मेरी रिपोर्ट्स को ठीक कर दे। या अल्लाह पाक मुझे औलाद नसीब फरमाए। आ जाइए। गुड़िया मेरी बात हो गई है चाची जान से, तुम उनसे जेवर के हवाले से कोई बात ना करना। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन शहीर भाई ये कोई सही तरीका तो नहीं है ना। अगर हमने अभी उन्हें कुछ नहीं कहा तो वो आने वाले वक्त में फिर यही हरकत करेंगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि मैंने जब उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी चोरी तस्लीम कर ली है। कह तो तुम ठीक रही हो, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम। देखो ना, जेवर उन्होंने बेच दिया है, पैसे अरबाज को दिए आई हैं, इसलिए ना जेवर वापस आ सकते हैं ना पैसे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि हम इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं, देयर इज़ नो पॉइंट। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई काम हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है।
हाँ वसी शाहिर रिपोर्ट्स मिल गई हैं। अच्छा तो क्या खबर? वही जिसका मुझे डर था, रिपोर्ट्स पॉजिटिव नहीं आई शाहिर। सब क्या करना है? तुम बताओ शाहिर, मेरा जहन तो काम ही नहीं कर रहा है। समिया ने पूरी रात इबादत की थी, अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला उसकी झोली भर दे। मायूसी का सामना करना, वो किस तरह फेस करेगी इस बात को? मुझे बहुत डर लग रहा शाहिर कि समिया कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर ले, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये। अच्छा सुनो, तुम ऐसे करो कि अभी कुछ भी करके ना आप उसे ये बात छुपाओ, झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल दो कि उसकी रिपोर्ट्स ठीक आई है और वो माँ बन सकती है। शहीर उसे क्या होगा, कभी ना कभी तो उसे हकीकत का इल्म होगा ही ना। तब की तब देखेंगे ना, अभी कम से कम थोड़ा टाइम मिल जाएगा और इन बिटवीन तुम उसको मेंटली प्रिपेयर कर लोगे इस बात के लिए, और वो थोड़ी रिलैक्स रहेगी ना तो कुछ दिनों बाद तुम उसको दोबारा से चेकअप के लिए भी कन्विंस कर लोगे। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि वो खुद रिपोर्ट्स पढ़ेगी। अब इसका क्या हल है? तुम ऐसे करो ना, लेबोरेटरी जाओ और उस बंदे को कहो कि मेरी वाइफ जो है वो काफ़ी अपसेट है, डिस्टर्ब है, तो इसलिए मैं उसको ये रियल रिपोर्ट्स दिखा नहीं सकता, तो या तो नकली रिपोर्ट्स बनवा लो या कुछ भी, पैसे देने पड़े तो पैसे भी दे दो, जो भी है। फिलहाल इस मामले को छुपाना है समिया से। ठीक है शाही, मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा परेशान ना मेरे भाई, फिर पहुँच के मुझे बताना। ठीक है। और सुनो वसी, अबू को भी अभी इस बात के बारे में ना पता चले, तुम्हें पता तो है वो ऑलरेडी बड़े परेशान हैं, खाम खाम परेशान हो जाएंगे। डोंट वरी, मैं नहीं बताऊंगा। समिया, ओके। हेलो वसीम, वसीम तो मेरी रिपोर्ट्स लेने गए। हाँ समिया, मैं वहीं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तुम इस बार झूठ तो नहीं बोल रहे ना? मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँगा, और ना ही मैंने पहले झूठ बोला था। अच्छा फोन रखो, मैं रास्ते में हूँ, बहुत शोर हो रहा है, गाड़ी में आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सुनो वसीम, ट्रैफिक का तो बहुत शोर होता है, मुझे तो कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा, हॉर्न वगैरह। वो मेरी गाड़ी का शीशा बंद है ना, इस वजह से। तुम फिक्र नहीं करो, मैं रिपोर्ट्स लेके सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। तो अच्छा तुम एक काम करो, जाके तुम गुड़िया के पास बैठ जाओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा, ठीक है? और परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं बस आ रहा हूँ। ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, आखिर कब तक? आज तो मेरे पोछ ठीक आए, एक ना एक दिन तो उस हकीकत का इल्म हो गई। हाँ राशिद, बात सुन यार। यार मैं कह रहा हूँ, और मैं अभी काम निपटा के आता हूँ। बड़े कोई खबीस आदमी है भाई। हाँ बे बोल। लाओ मेरा फोन दो। कौन सा फोन? अब फोन कौन सा फोन? जो फोन होता है जिसके पैसे दिए थे। अबे किसको दिए थे, क्या हो गया, पागल हो गया क्या? 50,000 के आधे वो अलग दिए थे, 20,000 फोन के जो दिए थे कल, याद करो। फोन दो मेरा। किसको दिए थे मुझे याद नहीं आ रहा, कब दिए थे? बकवास नहीं करो, मेरा फोन दो या पैसा वापस। बकवास तू नहीं कर, समझा? ये तेरे बाबा जी का महल नहीं है, समझा? अभी शिकायत कर दूंगा, ना तेरी माँ तुझसे मिल सकेगी और ना तेरे लिए बाहर से खाना आएगा, समझा? आराम से, बदमाश नहीं बन। ये बात बात पे बाप तक तो पहुंचा नहीं कर भाई तू। पता नहीं रिपोर्ट्स कैसी आती हैं, बस ही आ जाए बस।
समिया, मेरा दिल कहता है कि सब कुछ ठीक होगा और देखना तुम खुशी से हम सबको मिठाई खिलाओगी, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आएंगी। रिपोर्ट्स ली तुमने, क्या आई है रिपोर्ट? रिपोर्ट्स जो आई हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव आई हैं रिपोर्ट्स। देखा, मैं कह रही थी ना। Seriously? जी। Thank you. देखना गुड़िया, अब रेहान अकेला नहीं होगा, रेहान के बहन भाई उसके साथ होंगे। तुम दोनों को बहुत मुबारक हो। हाँ गुड़िया, खुदा का बहुत बहुत शुक्र है। अब मेरे दिल से ना तमाम डर निकल गए। Finally. तुम बैठे क्यों? जाओ ना, कुछ मिठाई लेके आओ, कुछ मीठा लेके आओ, सबका मुंह मीठा करवाते हैं। जाओ ना। हाँ मैं बस जाऊँ। वैसे भी कितना खुश होगा। और भाई शहजादे, क्या हाल है? ठीक तो है? तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, पैसे भी ले लिया और मोबाइल भी नहीं लाके दिया। ओ बस कर, कुछ ठंडा कर ले। और तू तो लड़कियों की तरह नाराज हो गया। इधर आ, बात सुन, तेरे काम की बात है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुमने मुझे धोखा दिया। और धोखा क्या, मेरे हिसाब से तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी की है। अगर तुम मुझे मोबाइल ला देते ना तो मैं तुम्हें 200 और पैसे दूंगा। अच्छा बात सुन, एक दफा और 20,000 दे, मैं तुझे भी मोबाइल ला के देता। चलो डील हुई, मोबाइल लेके आओ, मैं पैसे देता। ना पैसे दे, अभी एक घंटे में ला के देता तेरे को। अब गेम उल्टा है, पहले मोबाइल लेके आओ, पैसे उसके बाद। क्या मतलब यह है? तूने बैरिक में ठीक ठाक माल छुपा रखा है। हाँ हाथ छुपाया हुआ है तो आ जाओ निकाल लो, इसमें भी तुम्हारा ही नुकसान है, एक ही दफा काट सकते हो। पर ये तुम्हारी बेवकूफी है, मैं सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हूँ, मुझे जिंदा रख के ही तुम्हारा फायदा है, काट के खाने में तुम्हारा कोई फायदा है नहीं। आ जाओ निकाल लो एक बार में। और तू बेफिक्र रह, आज के बाद जो तू मंगाएगा मैं ला के दूँ, तेरा मोबाइल भी अभी ला के दूँ, और आज से अपनी दोस्ती पक्की। ये की ना बात, खुश है ना? देर से समझे पर सही समझे। ऐश कर। जानती हूँ गुड़िया, तुम बहुत हर्ट हुई होगी अम्मी की बातों से। उन्हें एटलीस्ट मेरे सामने इस तरह सख्त तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। बात तो उनकी सच ही थी समिया। पता है मुझे तो दुख सिर्फ इस बात का है कि आंटी और अरबाज की गलतियों की सजा मेरे बच्चे को मिलेगी। लेकिन गुड़िया बस छोड़ो इन बातों को, जो होना था हो गया। परेशानी तो रहेगी ना समिया, जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, बोलने लगेगा, बार बार अपने बाप के बारे में पूछेगा, तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे? गुड़िया सिचुएशन भी तो ऐसी हो चुकी है कि अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। यही तो मुश्किल है, लोग मेरे बच्चे को मुजरिम का बेटा कह कह कर पुकारेंगे, क्या क्या बातें बनाएंगे, क्या कुछ बोलेंगे उसे। चाहे उनकी बातों से हमें कितनी ही तकलीफ क्यों ना पहुंचे, वो बोलते रहेंगे। अच्छा मत सोचो तुम इतनी बातें, बैठो यहाँ बैठो, सब ठीक हो जाएगा गुड़िया। रही अम्मी की बातों की बात, तो तुम्हें पता है वो कैसी है। दीदी
अरबाज आप फिर जेल तोड़ कर आ गए। मैं आपको अपने बच्चे को ले जाने नहीं दूंगी। समी साहब, समी तुम तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल दिया। नहीं समी, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोला।